हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव, लेकर आया हूं एक और कमाल का वीडियो। ये है MG की कॉमेट। इस गाड़ी का आप एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट देख चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में और कैसे ये गाड़ी आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। अगर आपकी मंथली रनिंग ना 2000 किलोमीटर के आसपास है और अगर आप एक ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आमतौर पर जो भी सेगमेंट की गाड़ियां हैं 10 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट करती हैं। और वहीं पर अगर हम माइलेज की बात करें तो सिटी के अंदर, शहर के अंदर जो माइलेज आती है ना, वो कोई भी आप ऑटोमेटिक पेट्रोल गाड़ी लेंगे 13 से लेकर 14 के आसपास की आती है। तो जो रनिंग कॉस्ट है वो आती है तकरीबन 7.3 रुपीज़ पर किलोमीटर। मेंटेनेंस भी अगर आप ऐड कर दें तो 60 पैसे के आसपास पर किलोमीटर की मेंटेनेंस ऐड हो जाती है। एवरेज ले लेते हैं हम 8 रुपये पर किलोमीटर आपको कॉस्ट करती है। वहीं पर अगर हम बात करें MG की कॉमेट की ना, तो इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो तकरीबन 60 पैसे है। तो एक किलोमीटर पे आपको तकरीबन 7 रुपये आपको यहाँ पे बचने वाले हैं। मंथली रनिंग अगर आपकी है 2000 किलोमीटर तो एक महीने में आपको तकरीबन मिलेंगे 14,000 की यहाँ पे सेविंग और साल में होने वाली तकरीबन 1,70,000 रुपये के आसपास की बचत। 7 साल में 12 लाख के आसपास की बचत आपको मिलने वाली है इस गाड़ी से। तो 7 साल के अंदर ये गाड़ी आपको बिल्कुल फ्री कॉस्ट करेगी। बाकी बात करें प्रैक्टिकलिटी की, तो एक माइलेज टेस्ट तो हम कर ही चुके हैं, बट इस गाड़ी को मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ ने चलाया है जो गाड़ी के अंदर बैठी है। इनके पास खुद की गाड़ी है, उसको छोड़कर इस गाड़ी को लगातार 2 महीने से चला रही हैं। तो क्या कुछ इनको फील हुआ है, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी के साथ में, वो सारी बातें अब हम गाड़ी के अंदर बैठकर करने वाले हैं और आपको बताते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनका कॉमेट के साथ। तो पूजा, कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक आपका इस गाड़ी के साथ में? बहुत अच्छा रहा है, इसकी फैन फॉलोइंग बहुत है इस कार की। अच्छा। मेरी फ्रेंड्स तो बहुत पसंद करती हैं, उनको स्पेसिफिक बैठना होता है कि चल अब कहीं बाहर चलते हैं, शॉपिंग के लिए चलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मतलब सबको पसंद आ रही है? सबको, टोटली सबको, लोग मुड़ मुड़ कर देखते भी हैं। अच्छा, थार में क्या होता है ना, लोग कहते हैं हमें पीछे नहीं बैठना, पीछे नहीं बैठना। इसमें भी ऐसा कुछ हुआ है, कोई किसी फ्रेंड ने बोला कि यार मुझे पीछे नहीं बैठना आगे बैठना है? नहीं, ऐसा नहीं, उन्हें तो बस राइड चाहिए कॉमेट की। अच्छा, मुझे सुबह से लेके शाम तक आप इस गाड़ी को कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो बताइए। सबसे पहले सुबह कब यूज करते हैं गाड़ी को? सुबह सबसे पहले तो बच्चों को ड्रॉप करने के लिए स्कूल, जिस दिन बस निकल जाए उस दिन स्कूल, बिल्कुल, और जिस दिन ना निकली उस दिन गेट तक। एक्चुअली हमारी ना सोसाइटी बहुत बड़ी। अच्छा, पूजा जी के बारे में बता दूं, मेरी वाइफ है भाई, इकोनॉमिक्स में PhD होल्डर है, तो जो अकाउंट्स है ना वो ये संभाल रही है। हमारी कंपनी का पूरा जो इकोनॉमिक्स है ना वो खराब ना हो वो इनके हाथ में है। तो ये भी होम मेकर होने के साथ साथ ये सारा हमारा फाइनेंस वाला पार्ट यही संभालती हैं। और ये गाड़ी कौन सी माइलेज, क्या जो कैलकुलेशन वगैरह है ना, वो सब इन्होंने मुझे निकाल के दिए। अच्छा, मुझे गाड़ी के बारे में और बताओ, बच्चों को कैसी लगी जब आप स्कूल छोड़ के आते हैं? बच्चों को तो बड़ा फन पार्ट लगता है ये इसमें आना। अच्छा। बड़ा उस दिन चिल करते हैं जिस दिन मैं इनको कॉमेट में लेकर आती हूँ। वैसे कौन सी गाड़ी चलाते हैं? वैसे फॉर्च्यूनर चलाती हूँ, बताओ। बट नहीं, अभी जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ तो मेरा फॉर्च्यूनर अभी खड़ी है, वो दिख रहा है, वो नीचे उसमें जो डस्ट है ना, सफाई वाले को भी बोल दिया कि फॉर्च्यूनर को साफ मत करा, अभी कॉमेट को क्लीन करके जाओ। चलो बढ़िया है, तो मजेदार है कुल मिला के। बाकी इंटीरियर वगैरह कैसे लगा आपको गाड़ी का? फॉर्च्यूनर में ऐसा टच स्क्रीन तो नहीं आता, छोटा सा है काफी, है ना? इसमें फुल 2 स्क्रीन्स लगाई गई हैं और स्टेयरिंग के ऊपर भी बढ़िया ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह वो सारे हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं वो एप्पल वाली याद दिलाते हैं, जो एप्पल आईपॉड्स जो आते थे ना पहले, हाँ वो सेम इसी डिजाइन के आते थे। बाकी विजिबिलिटी वगैरह सब अच्छे से दिखता है, इसलिए मजा आ रहा है चलाने में। गाड़ी को चार्ज करो और चलाओ, चार्ज करो और इसको बिल्कुल इजी रहती है, कहीं भी पार्क करो आराम से, कहीं भी रश एरिया में आप इसको ले जा सकते हो। गुड़गांव में तो ये मस्ट हैव कार है। अच्छा, तो आप मतलब कोई अगर फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीदे तो रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल, या सेकंड कार हो मतलब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कहीं लंबे रूट पे जाना हो तो फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी। नहीं नहीं, ये तो एक इस सेगमेंट में ये कार होनी जरूरी है घर में। अच्छा, कि हाँ जी बिल्कुल, तो हम भी खरीद लें। कॉमेट का क्रेज अलग रहा है। अच्छा। फ्रेंड्स में भी और मुझे भी बड़ा फन लगता है इसको चलाने में। मतलब जब भी होती है हम डेली ही कहीं ना कहीं जाते हैं, चाहे शॉपिंग के लिए, चाहे कहीं ब्रेकफास्ट करने भी हम चले जाते हैं, उठाओ इसे और चलो। एक दो बार कॉफी पे भी, कॉफी पे भी हम जाते हैं, ये होती है तो हम डेली ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो कौन सी फ्रेंड को सबसे अच्छी लगी है? प्रीति को। अच्छा, टू बिट तो वो खुश होती है गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा,
कहते हैं बड़ी वाली मत निकालो, ये निकालो। वो सबको लाती है दिखाने के लिए कि देखो ये बहुत अच्छी कार है। जैसे अपने हस्बैंड को भी लेकर आई थी स्पेशली दिखाने के लिए। अपने फैमिलीज में भी कोई आता है जैसे तो दिखा के लेके जाते, क्योंकि ये बाहर ओपन में पार्क रहती है, तो ये वो आती है स्पेशली दिखाने के लिए और बोलती है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बाहर से जितनी छोटी है अंदर से उतनी लग्जूरियस लगती है उसको ये। तो कोई ऐसी फ्रेंड वगैरह मतलब कोई किसी को ऐसा लगा हो कि यार मतलब पहले कुछ और बोला हो, क्योंकि मेरे साथ हुआ एक दो बार कि दोस्तों ने बोला अरे इसमें तो नहीं बैठेंगे, इतनी छोटी गाड़ी है और कॉम्पैक्ट सी है। मेरे साथ भी हुआ है, एक दो फ्रेंड बोल रही थी कि ये कैसा डब्बा सा है, पर जैसे ही इसमें बैठते हैं तो उनका एकदम पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया कि यार इसमें अंदर तो स्पेस लग रहा है, तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हुआ है इसके लिए, मतलब अंदर बैठने के बाद। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ कि काफी दोस्तों ने बोला कि यार इसमें तो नहीं जाएंगे हम बाहर घूमने, और बैठने के बाद बोला यार इसी में जाएंगे हम तो घूमने। मतलब एक गाड़ी हो ना एक अलग चीज है, गाड़ियाँ 10 लाख में बहुत कुछ आती हैं, बट एक गैजेट की तरह ये गाड़ी है कहीं ना मतलब लोगों को लगता है कि यार ये गैजेट है, अंदर सब कुछ है इस गाड़ी के अंदर, और मतलब फ्री में चल रही है, 60 पैसा पर किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। आप सुबह से शाम अगर 50 किलोमीटर चला कर आते हो तो तुम्हारे जो तुम्हें शौक है ना बार बार कॉफ़ी पीने जाने का, तो कॉफ़ियाँ फ्री हो जाती हैं एक ही राइड। इतनी लोगों का व्यू पॉइंट बहुत चेंज हुआ है एक्सटीरियर और इंटीरियर को देखने के बाद। तो स्टेटस सिंबल में कहीं ना कहीं मतलब डेंट है या एक एप्रिशिएट, क्या बोलेंगे आप इसको? नहीं, एप्रिशिएबल है, बिल्कुल है। अगर कोई बड़ी गाड़ी चला रहा है, कोई अच्छी गाड़ी चला रहा है और वो कॉमेट को ड्राइव करे और लेकर निकले सड़कों पे, तो वो कैसा फील करेगा? अच्छा फील करेगा। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, मैं फॉर्च्यूनर है मेरे पास, मैं डेली चलाती हूँ, बट ये कॉमेट आने के बाद मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, टू गुड कार, यस। तो जो अपनी डेली रूटीन की जो ड्राइव्स होती है ना, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये गाड़ी फिट नहीं बैठती है। हाँ, अगर लॉन्ग ड्राइव पे कहीं घूमने जाना हो, जो हम साल में शायद एक बार जाते हैं, तब आप उस जगह इस गाड़ी को, या फिर कहीं लंबा जाना हो तो उस जगह इस गाड़ी को हम यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हमारी फिर सेकेंडरी गाड़ी, या हम बोले कि जो हमारी एक्चुअल प्राइमरी गाड़ी है वो वहाँ पे फिट बैठती है। बट कुल मिला के जो 80-90% जो हमारा कार का यूज है, उसमें ये कॉमेट सारे पर्पज़ को पूरा कर देती है। चलो अब लेकर चलते हैं इसको चार्जिंग पर, क्योंकि चार्ज यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम हो गया है। अच्छा पूछा, शुरुआत में एक दिक्कत आई थी आपको कि आपको चार्जिंग पोर्ट ओपन करने का वो नहीं मिल रहा था, तो कैसे ओपन किया आपने इसका? चार्जिंग के लिए इसको एक्चुअली पूरा इसका हैंड ब्रेक हमें अप करना होता है, और फिर फिर उसको न्यूट्रल पे डाल के देन उसको ओपन करना क्लिक कर सकते हैं। तो शुरुआत में दिक्कत आई कि मेरे से चार्जिंग नहीं हो रही है, मतलब ओपन नहीं हो रहा है, तो वो एक दिक्कत आई थी। उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी दिक्कत गाड़ी के अंदर आपको फील हुई हो? आज की तो हमारी राइड कंप्लीट हो गई, और अब इसको हम चार्जिंग पे लगा देंगे। चार्जिंग पे लगाना काफ़ी आसान है, ये आप देखेंगे चार्जर है, और ये मेरा होम चार्जर है, सारी गाड़ियाँ इसी से चार्ज हो जाती हैं। और इतना सिंपल ये प्रोसेस है। अब आपको जब गाड़ी मिलेगी ना सुबह, तो फुल चार्ज मिलने वाली, सुबह भी नहीं मतलब 2 या 3 घंटे के अंदर ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी, क्योंकि तकरीबन 70% के आसपास बैटरी अभी इसके अंदर बची हुई है, और अगर ये 10% के आसपास होती ना बैटरी, तो आपको लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है गाड़ी को 10 से लेकर 100% तक चार्ज होने में। अब आपको फ्यूल स्टेशन जाने की कोई टेंशन नहीं है, और अगर आप किसी दिन गाड़ी को ज़्यादा चला कर आएंगे, लाइक 100 किलोमीटर चला कर आएंगे, तो उस दिन जो आपकी सेविंग होने वाली है ना, वो तकरीबन आपकी होने वाली है, क्योंकि 100 किलोमीटर के लिए पेट्रोल गाड़ी में आपको 800 से 900 रुपये का पेट्रोल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी आपको लगने वाली है, तो उस दिन आपकी बचत 700 रुपये के आसपास होने वाली है। तो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा होगी, जितनी आप रनिंग आपकी ज़्यादा होने वाली है ना, उतनी ज़्यादा आपको बचत मिलने वाली है इस MG की इस कॉमेट से। और ये एक प्रैक्टिकलिटी वीडियो था जो पूजा जी ने इस गाड़ी को लगभग 2 महीने के आसपास चलाया, और अच्छे से चलाया है, मतलब सिंपल हो गया प्रोसेस इनका, और एक बार भी हमें इस गाड़ी को बाहर चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि कभी इतना रनिंग हुआ ही नहीं, सिटी से बाहर हम इसको लेकर गए नहीं है, और सिटी में जब भी हमने ड्राइव किया ना गाड़ी को, तो आराम से ये होम चार्जर से ही चार्ज हो जाती है। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव पूजा यादव के साथ लेता है विदा, मिलता है एक और वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।